गुड मॉर्निंग राधे राधे, आप सभी का उषा पर ब्लॉग में स्वागत है। तो देखिए, यहाँ मेरी पूजा हो गई है। आज संडे था तो मैं लेट उठी थी। संडे वाले दिन मैं लेट ही उठती हूँ, क्योंकि एक ही मेरे लिए ऐसा दिन आता है कि मैं संडे को आराम से उठती हूँ, क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से उठने में कोई वो नहीं है। पर ये जाते हैं तो इसकी वजह से मैं उसी टाइम पर उठती हूँ जिस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते थे। तो देखिए, यहाँ पर मेरी सभी पूजा हो गई है, मतलब मेरी पूजा हो गई है। बाहर गेट पर अगरबत्ती धूपबत्ती लगा दी है, तुलसा जी में अगरबत्ती लगा दी है, दीपक जला दिया है। और देखिए, मेरे ठाकुर जी नहा धो करके बैठ गए हैं, मैंने बिठा दिए हैं। तो वहीं देखिए, दूसरी तरफ मेरा आटा लग गया है, आटा लगा दिया है मैंने। और आज मैं बनाऊंगी मैगी के पराठे, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी तीनों की कि उन्हें आज मैगी के पराठे खाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी के पराठे, गरम गरम मैगी भर करके पराठे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का बहुत दिनों से मन था। तो कभी मैं मेथी के, कभी आलू के, और कभी बथुए के पराठे बना रही थी। बच्चे बोलने लगे बहुत दिन से मैगी के नहीं खाए, आज हमें मैगी के पराठे खाने हैं। तो मैं वही में बच्चों के लिए मैगी के पराठे बना रही थी। और देखिए, ये स्लिप है इसकी, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो आई मेरी जो स्लिप है ना, इसकी जो बिछाने वाली है ना, फ्लोर मैट बोलते हैं उसे, तो वो ख़राब हो गई थी। तो वो मुझे लेकर आनी है, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है लाने का। हो सकता है शायद आज जा सकती हूँ लेने के लिए। अगर मैं आज गई मार्केट, तो उसकी भी मैं छोटी सी क्लिप मैं आपको मार्केट की डालूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं चमचे से घी नहीं लगा रही हूँ, और मैं ये गिलासी है छोटी सी, इससे ही लगा रही हूँ, क्योंकि चमचे से फैलता है, इससे नहीं फैलता है। और ये घी सरसों का है, घर का तेल है, ये बिल्कुल प्योर तेल है ये, जो कि ना कि ये नुकसान करता है, और बाहर की रिफाइंड वगैरह से ठीक रहता है। तो या तो मैं देसी घी में पराठे बनाती हूँ बच्चों को, या फिर मैं सरसों के तेल जो घर का होता है उसमें, ये वाला तेल मेरे घर का ही है। तो देखिए, हमारे मैगी के पराठे बन रहे हैं फूले फूले। आ जाइए, आप सभी खा लीजिए गरम गरम पराठे। चटनी तो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि बच्चों को मैंने आपको बताया था पहले ही, टमाटो केचप के साथ में ही अच्छे लगते हैं, तो बच्चों ने उसी के साथ में खाए थे। देखिए, गरम गरम पराठे मैगी के टमाटो केचप के साथ में। और ये आरब है, मेरा भतीजा, बड़े वाले भाई का बेटा, उसे भी पसंद है। तो वो बाहर खेल रहा था, तो मैंने रक्षित को और आरब को दोनों को बुला लिया था। मैंने कि मैं पराठे बना रही हूँ मैगी के, और आप दोनों गरम गरम खाओ। रुद्र गोलू भी बाहर थे, उन्हें बाद में बुलाया था, बैट बॉल खेलने में बिजी थे। तो देखिए, हमारे फूले फूले मैगी के पराठे बन रहे हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, यहाँ भी मैं मैगी के पराठे ही बना रही थी। इन आरब को और रक्षित को मैंने खिला दिए थे, रुद्र गोलू के लिए मैंने बना करके रख दिए थे, क्योंकि रुद्र गोलू बैट बॉल खेल रही थी बाहर चौकी में। तो बोले थे मम्मी हमें बना करके रख दीजिए, हम अभी खा लेंगे बाद में। तो मैंने उनके पराठे बना के रख दिए थे। दो पराठे मैंने अपने लिए बनाए थे, दो इनके लिए बनाए थे मैंने। तो ये चले गए थे उस टाइम पर बाल कटिंग कराने के लिए, हेयर कटिंग कराने के लिए चले गए थे, तो मैंने बाद में खाए थे। तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि बेटा और चाहिए पराठे, तो बच्चे बना कर रहे थे कि नहीं, बुआ जी पेट भर गया है और मम्मी जी पेट भर गया है, तो अब नहीं लेने हैं हमें। वहीं देखिए, एक साइड में मैं पराठा भी सेक रही हूँ, और दूसरी साइड में देखिए तास में आटा भी भर रही हूँ, क्योंकि ये रात को ही आटा पिसवा करके ले आए थे। गेहूँ तो बहुत दिनों के डले हुए थे, पर टाइम नहीं मिल रहा था उठाने का, तो कल रात को ही आ गए थे आटा लेकर के। आगरा से जब आई थी ड्यूटी से तभी आटा लेकर के आए थे, तो वो आटा नहीं भर पाई थी शाम को मैं, तो मैंने सोचा था सुबह ही भर लूँगी। तो एक साइड मैंने पराठे बना रहे हैं, एक तवे पर पड़ा हुआ है पराठा, वो मैंने गैस को थोड़ा कम कर दिया है। और दूसरी साइड में देखिए, मैं तास में आटा भर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा।
मैं रुद्र को बोल रही थी कि गोलू को भेज दो, क्योंकि रुद्र तो पराठे खा के चले गए थे, गोलू के रह गए थे, क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं रुद्र को बोल रही थी कि गोलू को बोल दो आकर के अपने पराठे खा लेंगे, तो वो भी फ्री हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे तो बोलेंगे मम्मी ठंडे हो गए हैं ये। गर्म करने पड़ते हैं, फिर गर्म कर दो ना तो वो वाला टेस्ट नहीं रहता है जो रहना चाहिए, जो हम बनाते हैं ना वो टेस्ट अलग रहता है, और ये जो रखे हुआ का टेस्ट अलग हो जाता है। सीखने के बाद में वो बहुत ज़्यादा ही बेकार लगते हैं। देखिए यहाँ मेरा आटा भी मैंने ताज में भर दिया है, और थोड़ा सा ये कट्टे में रह गया था, तो ये वाला मैं ऐसे के ऐसे रख दूँगी। सबसे पहले मैं यही वाला कट्टे वाला आटा ही यूज़ करूँगी, और ये पैकेट वाला परसों लेकर के आई थी, क्योंकि जब तक आते थे शाम को 8 बजे तक आते थे तो आटे वाले की चक्की की दुकान बंद हो जाती थी, तो इसलिए ये वाला पैकेट लेकर के आए थे। तो देखिए ये बड़ा वाला भाई है, जो बराबर में जो भाई रहता है ना, भाभी रहती हैं, ये वो वाला भाई है, मेरे बड़ा वाला भाई है ये। और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, रही रक्षित हैं, उधर गोलू और उधर आरव हैं। और देखिए आज इस तरीके से धूप निकली थी, बहुत तेज़ धूप निकली थी, देखिए आप देख सकते हैं। तो चौकी में कोई नहीं था तो हम फोल्डिंग बिछा करके उधर ही बैठ गए थे, क्योंकि ठंड लग रही थी। और ये हैं भाभी, ये इनकी कुछ मशीन का काम था, ये वो काम करने में लगी हुई हैं। देखिए कितनी तेज़ धूप है ना, बहुत अच्छा लग रहा था चौकी में धूप में बैठ कर के, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी बच्चे देखिए चौकी में बैट बॉल खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मार्केट, मैंने लॉक लगा दिया है, तो देखिए लॉक लगा दिया है मैंने, मैं जा रही हूँ मार्केट, जो मैंने आपको बताया था ना स्लिप के लिए फ्लोर मैट लेने के लिए। ये बोलने लगे चलो अभी सब काम से फ्री हो गए हैं तो ले आते हैं, बाद में धूप में बैठेंगे। तो मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं दोनों, और रक्षित भी हमारे साथ। रुद्र गोलू को हमने घर ही छोड़ दिया था, वो चौकी में बैट बॉल खेल रहे थे, तो इस वजह से मैंने लॉक लगा दिया था, मैं बच्चे तो हैं ही। रक्षित चौकी से बाहर खेल रहा था, तो देखिए हमने चौकी से बाहर से रक्षित को ले लिया था, वहीं सामने गेट के सामने खेल रहा था, तो हमने वहाँ से रक्षित को ले लिया था। अब हम चल दिए मार्केट, हम जा रहे हैं मार्केट। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम द्वारकाधीश जाते हैं, उसी रास्ते में से आधा रास्ता ये मार्केट की तरफ चला जाता है थोड़ी दूरी पर। तो देखिए अब हम आ गए शॉप पर। तो देखिए यहाँ हम आए थे स्लीप के लिए फ्लोर मेट लेने के लिए। तो देखिए यहाँ वैसे सभी सामान मिलता है, बैग वगैरह मिलते हैं, पर्दे मिलते हैं, और भी सामान है, गद्दे वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह, देखिए सब सामान मिलता है, बेडशीट वगैरह सब सामान था इनके यहाँ, और ये सभी सामान मिलता है। और ये जो कंबल देख रही हैं ना आप, ये कंबल बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसका नाम भूल गई हूँ मैं, पर ये कंबल बहुत अच्छा था। देखिए सामने पर्दे लगे हुए हैं, और इधर उधर साइडों में सामान रखा हुआ है, इधर बेड शीट है, और इधर ये पिलो वगैरह कवर बैग, स्कूल बैग, बच्चों के स्कूल बैग भी हैं साइड में, तो वो रखे हुए थे। ये हमारे पति देव में खड़े हैं, और मैं पूछ रही थी इनसे रक्षित कहाँ है, तो बोल रहे थे बाहर हैं। हम आ गए रंगेश्वर मंदिर पर, रंगेश्वर मंदिर के अंदर मैं आई थी यहाँ स्पंज लेने, जो टेडीबेयर वगैरह में भरी रहती है ना वो वाली स्पंज लेने आई थी, और फर लेने आई थी मुझे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ब्लैंकेट और उनके गद्दे वगैरह बनाने थे। और वहाँ से हमने दुकान से, पहले वाली दुकान जो मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ से मैंने स्लीपर बिछाने वाली फ्लोर मेट ले ली थी वहाँ से, और यहाँ लेने आई हूँ मैं स्पंज और फर, दोनों ही लेने आई लड्डू गोपाल जी के बिस्तर के लिए। यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम का, शाम हो रही है, और यहाँ पर मैं रख रही हूँ दाल चावल बनाने के लिए। तो इधर मैंने एक साइड में कुकर में रखूँगी, तो इंडक्शन पर ही दोनों चीज़ बनाऊँगी इंडक्शन पर,
पर सबसे पहले मैं दाल रख रही हूँ बनाने के लिए। तो देखिए मैंने दाल रख दी है, दाल में वही नॉर्मल हमारा जो मसाला होता है नमक मिर्च हल्दी और धनिया वो वाला मैं वो डाल दूँगी इसमें। उसके बाद में मैं इसे इंडक्शन पर रख दूँगी बनने के लिए। जब इंडक्शन पर हमारे ये दाल बन जाएगी उसके बाद में देखिए मैं चावल रख दूँगी। और देखिए ये जो मैंने स्लिप बताई थी आपको वो मैं ले तो आए हम ले करके तो आ गए हैं पर अभी लगाने का टाइम नहीं मिला है। तो देखो जब टाइम मिलता है लगाने का एक दो दिन में तो यहाँ पर ये स्लिप पर फ्लोर मेट बिछ जाएगी, तो हम वहाँ यहाँ पर स्लिप पर फ्लोर मेट लगवा देंगे। तो यहीं देखिए मैंने दाल में पूरा मसाला डाल दिया है और कुकर का ढक्कन लगा करके मैं इसे कुकर को रख दूंगी इंडक्शन पर, तो आराम से दाल बनती रहेगी। तो देखिए ये मैंने रख दिया है कुकर इंडक्शन पर। मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल बनाने के लिए। दाल बन गई है और दाल बनने के बाद मैं चावल रख दिए हैं। चाय देखती हूँ बाद में बनाती हूँ चाय, पर पहले मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए। तो देखिए हमारे दाल चावल बनके तैयार हैं। देखिए गर आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम दाल और चावल। चावल मैंने लौंग डाल करके बनाए थे और यहाँ पर देखिए ठंडे करके मैं रक्षित को दाल चावल खिला रही हूँ। बोल रहा था मम्मी भूख लग रही है, तो ये अपने हाथ से खाता है तो ये आधे फैलाता है, फैलाता नहीं मतलब फैला भी देता है पर इसका पेट नहीं भर पाता। ये ज़्यादातर किसी और काम में खाते खाते कभी टॉयस वगैरह ले लेता है, कभी टीवी में लग जाता है, तो ये पेट भर के खाना नहीं खा पाता है। तो मैं सोचने लगी तो लो इसे अच्छा मैं खिलाती हूँ आपको, तो बोला था मम्मी इसे अच्छा आप ही खिला दो, पर मैंने इसे शांति से बिठा दिया था कि आराम से बैठना और बाद में खेलना कूदना जो करना है, तो पहले सबसे पहले खाना खाना। तो देखिए यहाँ मैं इसे ठंडे करके दाल चावल खिला रही हूँ और यही रुद्र गोलू तीनों आ जाएंगे, ये भी रुद्र निकल कर गए हैं तीनों खाएंगे। और देखिए यहाँ हमारा फाइनली टाइम हो रहा है 9:05 हो रहे हैं। तो देखिए हमारा इस टाइम पर खाना पीना हो गया है 9:05 पर। और थोड़ी देर में देखने लगी थी टीवी ही देखते देखते ये भी अपने फ़ोन देखने लगे थे, ये इधर लेट गए थे, बच्चे तीनों बाहर पढ़ रहे थे। तो मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है टीवी का, तो हल्की सी आवाज़ में मैंने टीवी चला रखी है। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लड्डू गोपाल के लिए एक शॉल ब्लैंकेट जो कि मैं जो ओढ़ते हैं ना उसी तरीके से दूसरा। हेलो कैसे हो आप? तो देखिए फाइनली हमारा खाना पीना हो गया है, थोड़ी देर हम टीवी देख रहे हैं। बच्चों के पापा लेटे, हमारे पति देव लेटे हुए हैं। अब चलिए वीडियो को मैंने सोचा आपसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं 2 मिनट और वीडियो को एंड करते हैं। और आज धूप निकल आई थी, आज अच्छी धूप निकली थी, ठंड इतनी नहीं है जैसे 2 दिन से ज़्यादा थी वैसी ठंड नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि मेरे लड्डू गोपाल के पास में एक ही शॉल है, तो मैं वही शॉल उनके लिए एक और बना रही हूँ इस कलर की। और इसी की देखिए मैंने यहाँ पर पोशाक, इसी कलर की देखिए मैंने यहाँ पर पोशाक बनाई है अपने लड्डू गोपाल के लिए। देखिए ये कैप है मैचिंग की और ये देखिए इस तरीके से ये पोशाक बनाई है। ये देखिए अगर आपको भी अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनानी है, शॉल बनानी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए, तो मैं आपको वो भी बनाना बताऊँगी, एक से एक न्यू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है और आप अपना ध्यान रखिए सर्दी में, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे बस यही कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें।
और जो न्यू है वो मेरे चैनल न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।